महासमुंद में ट्रक चालकों ने NH-53 पर चचान पहाड़ी के पास चक्का जाम कर दिया। यातायात पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। चक्का जाम की वजह से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल सरायपाली चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान पुलिस जवान के ट्रक चालक से कहा सुनी हो गई। आरोप है कि जवान ने डंडे से ट्रक का शीशा तोड़ दिया, जिसके विरोध में ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों ने बताया कि यातायात पुलिस ट्रक चालकों से अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं, गाली गलौज के साथ मारपीट करते हैं, जबरन पैसा वसूला जा रहा है। मामले की जानकारी मिलती है SP मौके पर पहुंचे, ट्रक चालकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ। सरदार जी थे हमारे आगे, उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया, आज भी अवैध वसूली कर रहे थे। सरदार जी मेरे पास इधर ही हैं, अभी मैं बुला सकता हूँ आपके पास। रसीद देते 500 रुपए का सर, ये एक पीला अच्छा होता है सर, अगला आईटीओ नहीं मानता उसको। तो इनके द्वारा जो इनके जो अन्य ट्रक संचालक साथीगण है उनसे कहकर यहाँ पर एक प्रकार से ट्रकें जो है रोक दी गई थी, जिसमें कि उनके जो लीडर्स हैं उनसे चर्चा की गई है और उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, जो भी शिकायत है शिकायतें हम ले रहे हैं और उसके आधार पर हम जो भी है उनके विरुद्ध जो भी है शिकायतों के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।